नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरशान। और कैसे हम लोग, उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम YouTube के जो स्लीप टाइम होता है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे वहाँ पर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कह सकते हैं, जो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उसे कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम है 10 सेकंड का होता है, उसे आप 5, 15, 20, 30 और 60 तक कर सकते हैं। ठीक है, वो ही हम बात करने वाले हैं कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब ओपन करता हूँ मैं। अकाउंट में चलता हूँ, शुरू से दिखाता हूँ। क्लोज अकाउंट, मेरा चैनल वगैरह सब कुछ है। सेटिंग्स में चलता हूँ। सेटिंग का पहला ही ऑप्शन जर्नल, इसमें चलता हूँ। ऑफ है। डार्क थीम, यहाँ पर आप डार्क मोड लगा सकते हैं। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। ये देखिए, डबल टैप टू स्वीप, इसमें चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 5, 10, 15, 20, 30, 60। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ 5 सेकंड का लिए लगा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। पर कोई भी वीडियो मैं देख लेता हूँ अपने चैनल की, देख लेता हूँ एक वीडियो। ये मैंने प्ले कर ली अपनी वीडियो, देखिए क्लिक किया मैंने वीडियो पे। ठीक है, ये मेरी वीडियो में ज्यादा देर तक प्ले नहीं करूंगा। देखिए, फास्ट फॉरवर्ड 5 सेकंड, पहले 10 सेकंड आ रहा था, 5 आ रहा है, ये रिवाइंड भी 5 सेकंड है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड के टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा वीडियो देखने